अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला आधिकारिक स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दिया और उन्होंने कहा कि वह देश को व्यापक विभाजनकारी स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि विभाजनकारी स्थिति हमारे देश में पिछले साल से नहीं बल्कि कई वर्षों से बनी हुई है। वहीं ट्रंप ने अपने संबोधन में योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली को बढ़ावा देने की बात भी कही। अमेरिका लगातार योग्यता आधारित आवर्जन प्रणाली पर जोर दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से ऐसा विधेयक पारित करने का अनुरोध किया है जो योग्यता आधारित आवर्जन को बढ़ावा देता हो। इस कदम से हजारों भारतीय पेशेवरों को लाभ पहुंचेगा। ट्रंप ने उन करीब 18 लाख अवैध आवर्जकों को नागरिकता देने की मांग का प्रस्ताव भी दिया जिन्हें उनके माता पिता तब अमेरिका लाए थे जब वे बच्चे थे। ट्रंप ने पहले ही स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में कहा कि अब योग्यता आधारित आवर्जन प्रणाली की ओर बढ़ने का वक्त आ गया है। ऐसी प्रणाली जो उन लोगों को प्रवेश देती है जो कुशल हैं, काम करना चाहते हैं, जो हमारे समाज में योगदान दे, जो हमारे देश से प्रेम करे, उसका सम्मान करे। इस योजना के तहत जो लोग शिक्षा और कामकाजी जरूरतों पर खरे उतरते हैं, अच्छा नैतिक चरित्र दिखाते हैं, वह अमेरिका के पूर्ण नागरिक बन सकते हैं। दूसरा स्तंभ सीमा को पूरी तरह सुरक्षित करना है, यानी दक्षिणी सीमा पर दीवार का निर्माण। इसका मतलब ये है कि अधिक लोगों को रोजगार पर रखना ताकि समुदायों को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि हमारी योजना उन भयानक खामियों को दूर कर देगी जिनका आतंकी और अपराधी हमारे देश में प्रवेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका और मजबूत हुआ है। ट्रंप ने दावा किया कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे कम हुई है। मुझे इस बात का गर्व है। अमेरिका ने पिछले एक साल में काफी कुछ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रिटायरमेंट पेंशन और रिटायरमेंट सेविंग में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म उन्होंने किया है। टैक्सों में ऐतिहासिक कटौती की गई है ताकि छोटे बिजनेसमैन को फायदा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन और रूस पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन और रूस अमेरिकी मूल्यों को चुनौती देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज़।